गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.1। देखिए, इससे पहले की एक्सरसाइज हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी न्यू एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दूं, तो आप नहीं कर पाओगे और सबके आंसर अलग अलग होंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, जो अपनी क्लास है उसमें 10 विद्यार्थियों की हाइट को मापना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि जो भी हम अगर मैं यहाँ पर आपको करा दूँगी तो ये भी एक परिकल्पना होगा, जबकि हमारा ये क्या है, एक जैसे हम कुछ करते हैं तो ये हमारा क्रियाकलाप की तरह है। तो इसे रहने दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को, जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तब मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूँगी, लेकिन अभी नहीं कराती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको स्वयं करना है। अपनी क्लास के सभी विद्यार्थियों की पहले हाइट नापेंगे, तो ये हम करके देखेंगे। तो इसे अभी हम अभी के लिए रोक देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं हम ये वाली एक्सरसाइज। देखिए, कक्षा के एक मूल्यांकन से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। हमें सारणी बनानी है, ठीक है। सबसे पहले सारणी में क्या लिखेंगे हम, अंक, ठीक है। नंबर 2 में मिलान चिन्ह, और नंबर 3 में बारंबार। ठीक है, आप देखिए इसमें कौन कौन से अंक है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। आप देखिए 4, सबसे पहले 4 है, तो 4 को देखिए, 4 कितने टाइम से है हमारा, 1, 2, 3 एंड 4। 4 कितने टाइम्स से है हमारा, 3 टाइम्स। कितनी बार है, 3 बार, 4 हमारा 3 बार। चलो पहले 1 को देख लेते हैं, 1 कितनी बार है हमारा, 1 हमारा 1 बार है। तो मिलान चिन्ह क्या होते हैं, देखिए 1 को इस तरीके से लिखते हैं। 2 को देखिए आप, 1, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 हमारा 2 टाइम्स है। तो देखिए 2 को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। आपको अपनी बुक में ये जो दिया गया है इसको देखते हुए लिखना है, ठीक है। आप देखिए 3 कितने टाइम्स लिखा है, 3 है हमारा 1 टाइम, 1। 4 हमने लिख दिया है, 4 हमारा 3 टाइम्स है। तो 3 कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट आता है हमारा 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स लिखा है आपकी उस लाइन में, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया हमारा 5। 6 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4। 7 2 टाइम्स, 1, 2। 8 हमारा 1 टाइम है, और 9 भी हमारा 1 टाइम है, ठीक है। ये क्या करा हमने, जो हमें वैल्यू दी गई थी उसको हमने लिख लिया सारणी में। चलिए अब आगे क्या करने के लिए बोला गया है हमसे, बोला है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ए पार्ट में बोला है सबसे बड़ा अंक, बताइए कौन सा है सबसे बड़ा अंक, 9।
ठीक है। बी में क्या पूछा गया है? सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक 1। फिर है इन आंकड़ों का परिसर, सी क्या है? आंकड़ों का परिसर, सी कह लीजिए या थर्ड कह लीजिए, 1 2 3। आंकड़ों का परिसर, ठीक है। देखिए परिसर को कैसे निकालते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे, बड़ा अंक माइनस छोटा अंक, तो कितना आ गया? 9 माइनस 1। परिसर कितना आ गया हमारा? 8। अब है हमारा नेक्स्ट, निकालना है हमें अंकगणितीय मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान, देखिए मध्यमान निकालने के लिए संख्याओं का कुल योग बराबर संख्या, मतलब कि कितनी संख्या, नंबर ऑफ संख्या, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। देखिए आपकी बुक में जो दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू दे रखी है 4 6, ये मैंने जो यहाँ नहीं लिखी है वो आपको सारे नंबर्स को ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 100, ठीक है। कितना आएगा आपका? 100 आएगा। और नंबर ऑफ संख्या कितनी है हमारी? 9। और 9 से क्या कर देंगे हम? इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए ये वैल्यू मैंने लिख दी है जो लाइन थी, हमें बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 100, वो आप लोग कर लोगे। अब हमें अंकों की संख्या लिखनी है अपॉन में, क्या लिखनी है? अंकों की संख्या। अंकों की संख्या कितनी होगी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ गया हमारा? 5, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा समझते हैं, ये वैल्यू हमें दे रखी थी और कहा था इसे सारणीबद्ध कीजिए, तो हमने क्या करा, पहले इन्हें ऑर्डर में लिखा यानी असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5। हमने देखा 1 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है, तो बारंबार है इसकी 1 है, और मिलान चिन्ह इस तरीके से 1 का लिखा जाता है, ठीक है। 2 को देखा, 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स हमारा। 4 कितने टाइम्स है? 4 हमारा 3 टाइम्स है, 1 2 एंड 3। ऐसे ही हमने सारी साइंस जितनी भी हमारी वैल्यू है उनको देखा, उनकी बारंबारता लिखी वो जितनी बार भी है, और फिर उनके मिलान चिन्ह लिखे। देखिए मिलान में 1 को इस तरीके से लिखते, 2 को इस तरीके से, 3 ये, 4 ये, और 5 को ये। देखिए 5 को इस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर हमने क्या करा, हमसे पूछा गया सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारा? 9, छोटा अंक 1। परिसर निकालने के लिए बड़े अंक में से छोटे अंक को माइनस कर देते हैं, यानी अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमारा 8 आ गया। और मध्यमान निकालते हैं तो अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। हमने जब इनको जोड़ेंगे 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 5 4, तो हमारा 100 आएगा। और संख्या हमने अभी काउंट की थी, कितनी थी? 2 0 20। डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब
थ्री में बोला गया है हमसे प्रथम पांच पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रथम पांच पूर्ण संख्या क्या होंगी? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर हो गए। अब माध्य कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? अंकों का कुल योग बटे अंकों की संख्या। अंकों या लिखिए, यहाँ पे अंक नहीं है, संख्याएं हैं। संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, और संख्या कितनी है? फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव ऐड कर दीजिए। वन एंड टू थ्री, थ्री और थ्री सिक्स, सिक्स और फोर टेन, अपॉन फाइव कितना आ गया? टू। तो माध्य क्या है? प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या निकला? दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में है हमारा, एक खिलाड़ी ने आठ पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। कितने बनाए? 58, 76, 40, 40, 35, 46, 50, 50, 0 and 100। ठीक है, लिखा क्या है? उसकी स्कोर का माध्य ज्ञात कीजिए। रनों का कुल योग बटे पारियों की संख्या। रनों का कुल योग क्या है? 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 100 अपॉन 8। आप देखिए, इन्हें ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? 5, 5 और 6 हमारा 100। देखिए, जब इसका हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 400। वो आप अपने आप कर लेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारा? डिवाइड कीजिए, 8, 5 का 40, तो यानी हमारे जो कितने हैं, माध्य कितना है? 50 रन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा खेले गए अर्जित अंकों को दर्शाइए। 5 देखिए, खेल 1, 2, 3 and 4, 14, 0, 8, 16, 8, 11 10, 6 और नहीं खेला, नहीं 10, 4, 30। इस सारणी को आप अपनी बुक में अच्छे से बना लेंगे। हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है इसका, प्रत्येक
प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे ए का माध्य निकालेंगे, ए का माध्य है, ए का माध्य कितना हो जाएगा, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 4, क्योंकि 1 2 3 4 फोर गेम खेले उसने। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, देखिए 14 और 16 हमारा 13 आ गया, 13 और 10 14 एंड 4 15 कितना आ गया, 15 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 12.5। अब सेकंड में पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। देखिए हमें सिर्फ ये पूछा गया है, जो हमारा सी है इसमें हमारा जो नीचे वाला पार्ट होगा वो 3 होगा या 4। इसमें हम लिखेंगे सी में 3 से भाग देंगे क्योंकि सी खिलाड़ी ने 3 खेल खेले हैं। क्लियर है, 3 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक जो खेल है उसने, एक जो गेम है वो खेला ही नहीं। अब थर्ड में क्या पूछा है हमसे, किसका प्रदर्शन, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य है। तो बी का माध्य क्या हो जाएगा, बी का माध्य 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 4, 8 और 6 हमारे कितने होते हैं, 12, 12 और 4 16, देखिए 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 अपॉन 4 डिवाइड कर दीजिए, ठीक है 4.5 आगे डिवाइड करने से। अब पूछा गया है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ये रफ कर दूं मैं, ये यहाँ से कर देती हूँ। चलिए 4 में पूछा गया, जिसका पार्ट 4 है सबसे अच्छा प्रदर्शन पूछा गया है, तो हमने ए का माध्य निकाल लिया, ए का माध्य कितना है, 12.5, बी का माध्य कितना है, 4.5, जिसका माध्य ज़्यादा होगा उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा, और सी का माध्य कितना है वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है, तो निकाल लीजिए 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि इसने 3 ही गेम खेले हैं, 19 और 22। ठीक है, अब बताइए किसका माध्य ज़्यादा है, ए का, तो ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है क्योंकि इसका माध्य अधिक है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम। सिक्स में बोला है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के कुल इस समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76,
75 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, सबसे अधिक अंक कितने हैं? देखिए 90 और ये 95, कितने अधिक है? सबसे अधिक 95। बी में पूछा गया है सबसे कम अंक, पहले इसमें सबसे, ए में पूछा है सबसे कम अंक कितने हैं? देखिए 39 से भी कम है कुछ नहीं, तो 39। फिर पूछा है प्राप्त अंकों का परिसर, अंकों का परिसर क्या होता है? अधिक अंक माइनस न्यूनतम अंक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने करा था अधिकतम कितना है 95, न्यूनतम कितना है 39, माइनस कर दीजिए 15 में से 9 गए 16, 8 में से 3 चले गए हमारे 5, ठीक है। और सी में पूछा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य इन सब का टोटल 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। डिवाइड कितने से करेंगे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप जल्दी से इन्हें ऐड कीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा ऐड करके। ठीक है, आप सभी ने ऐड कर लिया होगा, क्या आया 730/10 डिवाइड कर दीजिए क्या आ गया 73। सिक्स क्वेश्चन हमारा हो चुका है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसे नेक्स्ट वाली उसमें करेंगे वीडियो में। थैंक यू, बाय।